हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं चैनल वर्ल्ड वाइड वेब सैमसन मैथमेटिक्स सेंटर। इस वीडियो में बताएंगे एक्सरसाइज 94 क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर 16 तक है। और ये जो जिस टेंस का सेंटेंस है वो है, उस सेंटेंस का टोटल फार्मूला भी बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि टेंस से रिलेटेड, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 होते हैं और फिर सभी के 4-4 भेद होते हैं। तो जिसमें से ये प्रेजेंट टेंस है, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट टेंस में फिर इसके 4 भेद होंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, SIMPLE, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, PRESENT, प्रेजेंट CONTINUOUS। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 हुआ, जिसमें से ये पहला और दूसरा ये टोटल और पिछले क्लास में बता चुके हैं। और ये जो अभी जिस टेंस का वाक्य है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो है ही, इसमें और मिक्स क्वेश्चन भी, किसका? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। अब इसमें से पहचानना है कि कौन सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कौन कंटिन्यूअस का, कौन प्रेजेंट परफेक्ट का। तो जिसमें ता ते ती लगा हुआ रहता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य माना जाता है। जिसमें रहा है, रही है, रहे मैं है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला तो ता ते ती होगा, जिसमें ये रहते हैं, रहता है, उसके बाद और देती है ये, यानी कि ती है जितना है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें रहे हैं, रही है, फिर रहे हैं और एक यहाँ पर है रहे हैं। ये सभी जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और बाकी जो बच गए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। अब इसका फॉर्मूला था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये हो गया कंटिन्यूअस का। और उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप और फिर होता है ऑब्जेक्ट। ये तीनों फार्मूला उसी नियम के अनुसार ये सभी मिक्स क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर है आपके पिताजी कहाँ गए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो कहाँ गए हैं तो हो जाएगा वी आर हैज योर फादर गोन। उसके बाद मेरे पिताजी पटना गए हैं, तो माई फादर हैज गोन टू पटना। नेक्स्ट है तुमने उसे क्यों पीटा है, तब क्यों का जगह वाई हैव यू बीटेन हिम। मैंने उसे नहीं पीटा है, आई हैव नॉट बीटेन हिम। नेक्स्ट है उसने मुझे पीटा है, ही हैज बीटेन मी। क्या आपने यह काम किया है, हैव यू डन दिस वर्क। मैंने यह काम नहीं किया है, आई हैव नॉट डन दिस वर्क। उसके बाद वह कब आ रही है, ये कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो वह कब आ रही है, तो वेन इज सी कमिंग। वह कल आ रही है, सी इज कमिंग टुमारो। क्या आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आर योर चिल्ड्रेन गोइंग टू स्कूल। उसके बाद हाँ वे जा रहे हैं, यस दे आर गोइंग। तुम कहाँ रहते हो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। ये यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ था, ठीक है। इसको ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, वेयर डू यू लिव। मैं पटना में रहता हूँ, आई लिव इन पटना। यहाँ पर एक इन शब्द जो है ये छोटे जगह के लिए जब आता है तो एट का प्रयोग किया जाता है, और बड़े शहरों के लिए इन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आई लिव इन पटना लिखा हुआ। क्या आपकी गाय दूध देती है, तो डू योर काउज गिव मिल्क। डू योर काउज गिव मिल्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप
और तबता ऑब्जेक्ट द डू योर काउज गिव मिल्क, हाँ मेरी गाय दूध देती है, यस माई काउज गिव मिल्क। उसके बाद है क्या आपके घोड़े दौड़ रहे हैं, आर योर हॉर्सेज रनिंग। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 94 ये टोटल 20 क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ। फिर अगले क्लास में बताएंगे एक्सरसाइज 95 क्या उसके बाद, तब फिर मिलते हैं अगले क्लास में।